थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को आज की सेंचुरी में एज अ साइंटिफिक फैक्ट एक्सेप्ट किया जाता है। हम भी इसे फैक्ट मान लें अगर हमें कुछ सवाल के जवाब मिल जाते हैं। नंबर वन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी यूनिवर्स में जो है कुछ फ्री एलिमेंट्स मौजूद थे। उन फ्री एलिमेंट्स से फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, आरएनए बनता है, पीडीसी मॉलिक्यूल बनता है, और एक लॉन्ग एवोल्यूशन होने के बाद हमारे पास एक फर्स्ट लिविंग सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल एग्जिस्टेंस में आ जाता है। जबकि बायो का जो लॉ है बायोजेनेसिस, वो कहता है इसके बिल्कुल अपोजिट, यानी नॉन लिविंग थिंग्स से कभी भी लिविंग सेल एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकता। तो ये किस बेसिस पे मान रहे हैं कि पहला लिविंग सेल प्रोकैरियोटिक सेल एग्जिस्टेंस में आ जाता है नॉन लिविंग एलिमेंट्स से या जो फ्री एलिमेंट्स थे। फॉर अ वाइल हम लोग ये बात मान भी लेते हैं कि किसी भी तरीके से एक लिविंग सेल फ्री एलिमेंट्स से वजूद में आ जाता है। फिर ये लोग कहते हैं कि सेल डिवीजन होती है, सेल रेप्लिकेशन होती है, और लॉन्ग एवोल्यूशन होने के बाद 3.75 मिलियन ईयर पहले एक फिश एग्जिस्टेंस में आ जाती है। उस फिश का कनेक्शन बताते हैं तमाम लैंड वर्टिब्रेट्स और तमाम फिशेस के बीच में। अब ये बात वाजह रहे कि ये जो फिश एग्जिस्टेंस में आई है ये मेल फीमेल की रिप्रोडक्शन से एग्जिस्टेंस में नहीं आई, ये एग्जिस्टेंस में आई है सेल डिवीजन सेल रेप्लिकेशन से। तो आज जितने भी फिशेस हैं और आज जितने भी लैंड वर्टिब्रेट्स हैं आप और मैं, ये क्यों जो है सेल डिवीजन और रेप्लिकेशन से एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहे? बीच में ही रिप्रोडक्शन का सिस्टम कहाँ से आया? क्या सेल्स वाकई इतने इंटेलिजेंट हैं कि उन्होंने एक बार लिविंग सेल को बनाया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया, और देन उनके अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम लगा दिया कि अब जो आगे आने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे वो इस रिप्रोडक्शन सिस्टम से आएंगे हम आज़ाद? क्या वाकई सेल्स इतने इंटेलिजेंट होते हैं? हम ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली डिजाइंड है। यानी हम अपने आइस का वर्किंग मैकेनिज्म देखें, एयर का वर्किंग मैकेनिज्म देखें, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम देखें और हर एक चीज़ को देखें, ये सब जो है फाइन ट्यून्ड है। क्या हम वाकई ये बात मान सकते हैं कि सेल्स जो है वो इंटेलिजेंटली डिजाइनर है? हम ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ फीलिंग्स पाई जाती हैं, यानी लस्ट, लव, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह। तो क्या इस बात का इनके पास कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि सेल्स फीलिंग भी क्रिएट कर सकते हैं?